हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सेल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेल लेके आया हूँ जो IRCTC से यानी कि इंडियन रेलवे से भी बढ़िया आपको जो रिटर्न देगा, IRCTC सेल से भी सबसे बढ़िया जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा जो स्टॉक लेके आया हूँ और अब तक कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे चुकी है, तो इस स्टॉक को बिल्कुल ही अपने आज से जाने ना दें। वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IRCTC की इंडियन रेलवे के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस लगभग 5485 रुपये चल रहा है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दे रही है, अब लगभग 11% का जो है इसमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है डे बाई डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग कंपनी ने 6 महीने में 240% का जो है रिटर्न दिया है। ऐसे ही जो है स्टॉक लेके आया हूँ जो आपको इससे भी बढ़िया जो है आपको रिटर्न दे सकता है। आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपके पास भी जो है IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे का अगर आपके पास भी शेयर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके पास जो है इंडियन रेलवे का शेयर था लेकिन जो आपने जो है सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद से जो इसमें जो रैली देखने को मिल रही है यानी उसके बाद से जो इसमें डेली तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसे जो स्टॉक लेकर आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे बड़ी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो उस शेयर का नाम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उस शेयर का नाम है DLF लिमिटेड। जैसे अगर हम बात करें तो इस शेयर का जो प्राइस है लगभग 434 रुपये पर जो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके इस शेयर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम इस शेयर का प्राइस लगभग 311 रुपये पर जो ट्रेड कर रहा था। उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि इस शेयर को बाय कर लें, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शेयर है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, मैंने आपसे कहा था कि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इस शेयर का प्राइस 311 रुपये पर चला था। उस टाइम मैंने आपसे कहा था, करीब 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि इस शेयर को बाय कर लें, आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस अब लगभग जो है 434 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1 महीने के अंदर कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 311 से 434 रुपये पर जो है पहुंच चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी बड़े रिटर्न देगा। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं इसके फंडामेंटल्स दिखाया था, आप खुद समझ जाएंगे कि ये शेयर आने वाले समय में कितना ज़्यादा बढ़िया आपको रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम इसके सबसे पहले बात करें इसके बिज़नेस के बारे में, कंपनी जो एक रियल इस्टेट डेवलपमेंट में जो इंगेज है, यहाँ पर देख सकते हैं रियल इस्टेट सेक्टर में कंपनी का जो बिज़नेस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटल लगभग 1,07,651 करोड़ की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक भी, यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.46% का। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 112% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि काफ़ी शानदार है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो लगभग 4.01% जो कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँ तो कंपनी जो है अपने सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर जो है कंपनी जो फर्स्ट नंबर पे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है रिटर्न गेन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने मेन बिजनेस से कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप, एंड साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होगा। एंड साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कंपनी अपने बोरिंग्स को डिक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने इंक्रीज कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अगर हम देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ यहाँ पे आप कैश फ्लो पोजीशन भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो लगभग 75% की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है जो कि कॉन्स्टेंट चली आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें 17%, जैसे पे देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कराया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर में, तो जो काफ़ी यहाँ पे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि प्रमोटर यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कराया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा ला सकते हैं आने वाले समय में ये शेयर कितने ज़्यादा बड़े नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, एंड काफ़ी शेयर ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिटर्न दे सकता है। इस शेयर के से बिल्कुल भी अपने आस्ते जाने जाते, मैंने आपसे पहले भी कहा था इस शेयर को बाय कर लें 311 रुपये पर, जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने आपसे कह दिया था इस शेयर को बाय कर लें और होल्ड करके रखने, आने वाले समय में ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये शेयर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा, फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 434 बहुत ही सस्ते में अभी ये शेयर आपको मिल रहा है। आने वाले समय में ये शेयर बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम बात करते हैं IRCTC शेयर, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं अगर आप जो अभी तक इस शेयर को बाय नहीं करा था, इस शेयर को बाय कर लें, आने वाले समय में ये शेयर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि किस किसने इस शेयर को जो बाय करा था और फिर जो है सेल कर दिया था, उस टाइम जो इसमें
तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी और शेयर को जो सेल कर दिया, तो उसके बाद से जो इसमें रैली देखने को मिली है, तेज़ी देखने को मिली है, तो कौन कौन ने जो है इस शेयर को बाय करा था, किस किस के पास अभी जो है करेंट में ये शेयर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।